मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की आज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो इस लेक्चर सीरीज का जो लेसन नंबर 2 की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उस लेक्चर सीरीज का अगला पार्ट। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज गॉस का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, चालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है चालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस के नियम का तीसरा एप्लीकेशन है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने क्या माना कि माना एक चालक परत है, तो ये मैंने मान ली चालक परत है। अगर इसको फॉर्म में लिखे पूरा, मतलब 3D में बनाए, तो ये मैंने बना दिया। यहाँ पर ये इसी प्रकार इस पे जो चार्ज है वो क्यू आवेश है और वो एक समान रूप से क्या है, वितरित। ये क्यू आवेश है, तो मैंने मान लिया कि माना ABCD जो है वो एक अनंत लंबाई की चालक परत का एक भाग, ABCD एक अनंत लंबाई का चालक परत का भाग है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना है, सिग्मा। इस जो चालक परत है उस चालक परत के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, तो इसके लिए ये दो डिस्टेंस वो कितनी है, r। ठीक है, तो इसमें पहले लिखते बेटा, चूंकि हम जानते हैं, ये आपने पहले लेसन नंबर 1 में पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो उस दौरान हमें गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, तो गाउसियन पृष्ठ कितना बनाया जाए उस चीज के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो चालक की सतह को पार नहीं करती, इसका मतलब जो हमारी जो चालक परत दिख रही है उस चालक परत का जो इधर वाला पार्ट है उस पे जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल इस तरफ होगी, इस पे जो चार्ज इस तरफ है उसकी इलेक्ट्रिसिटी उस तरफ नहीं होगी, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह को पार नहीं करती। इसका हम एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक चालक परत है या चालक शीट है, इस चालक शीट के इधर भी चार्ज और इधर भी क्या, एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो इधर जो चार्ज है उस चार्ज के कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि इसकी बल रेखाएं उस चालक की सतह को पार करके बाहर नहीं निकल सकती। ठीक इसी प्रकार इधर जो चार्ज होगा उस चार्ज के कारण उधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इधर वाली जो बल रेखाएं जो होगी वो उधर उस चालक को भेद कर पार नहीं कर सकती, जबकि कुचालक में भेद कर पार कर सकती है, इसलिए हमें गॉसियन पृष्ठ उधर भी बनाना पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो चालक परत की थिकनेस है जो हमारे पास दिख रही है उसको मैं थोड़ा और डिप समझने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास क्या है, चालक परत का भाग है, इस पे इधर क्या है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ये मैंने मान लिया वो पार्ट है सामने वाला। तो इसका मतलब ये जो सीट है उसको फ्रंट से देख रहा हूं, मुझे केवल ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये केवल पार्ट दिखाई दे रहा है इधर से, और इधर भी उसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज होगा श्योर, क्योंकि चालक परत है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इस तरफ चार्ज नहीं होगा, उधर भी उसके ऊपर क्या होगा, आवेश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास बिंदु पी सेंटर है, ये मैंने माना था, डी मान लेते हैं इसको, जो भी माना था वो मान लेना इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर ओ है, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो बिंदु पी था, इस बिंदु पी पर मुझे क्या निकालनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी थी।
तो इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या माना, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो क्या निकालेंगे, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है वो हमारे पास ये रहा, ये मैंने मान लिया कि जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है वो यहाँ पे है और उसको थोड़ा अंदर ले जाना। ये अंदर क्यों ले गया, कि क्या पता इधर से कोई बल देखा जाए, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना दिया जो कि चालक सरफेस को, जैसे देखो अगर मैं इसको यहाँ बनाना चाहूँ तो यहाँ ड्रॉ करूँ तो देखो बेटा ऐसे बनेगा, और ये जो है वो इलेक्ट्रिकल सदर पे छपा हुआ पार्ट, और थोड़ा इसके अंदर मतलब थोड़ा सा हम क्या बनाएंगे इसके अंदर एंटर कर सके, क्या उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो उसके कारण भी हम निकाल लेंगे। तो देखा है उपरोक्त गाउसियन पृष्ठ, उपरोक्त गाउसियन पृष्ठ कुल तीन भागों से, कुल तीन पृष्ठों से मिलकर बना है। कुल तीन पृष्ठ कौन कौन से बेटा, ये देखो एक तो ये रहा एच वन, इधर देखे मैं इसको पॉइंट हटा देता हूं के लिए, एच टू पर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल निकालिए, थोड़ा ये हो गया एच थ्री। तो कौन कौन से पृष्ठ है, एच वन जो कौन सा है इधर लेफ्ट साइड वर्ताकार पृष्ठ, तो दूसरा हमारे पास इधर है एस टू, वो कौन सा है राइट साइड वर्ताकार पृष्ठ, और थर्ड जो हमारे पास है वो कौन सा है एस थ्री, इसे बोलेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस या बेलनाकार पृष्ठ। अब हमने एक चीज मान लेते हैं कि माना वर्ताकार पृष्ठ के वर्तीय भाग का, वर्ताकार पृष्ठ के वर्तीय भाग का क्षेत्रफल ए है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि इस जो वर्ताकार भाग जो हमारे पास बना, इस बेलनाकार भाग इसके वर्तीय भाग का क्षेत्रफल में कितना माना है ए, ये हमारे पास ए। अब देखना बेटा, सुनना एक मिनट के लिए, बहुत इंपोर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इस गाउसियन पृष्ठ था उसके अंदर चार्ज कितना है, तो बेटा इसके अंदर ये जो चार्ज है वो केवल इतना ही चार्ज, हालांकि 3D में नहीं बना सकता बेटा इसको, मैं 3D में समझना चाहूँ तो देखो ये जो पार्ट है वो यहाँ दे रखा है, तो इसके अंदर कितना चार्ज है उसको समझना, हालांकि ये बेल नहीं है, समाप्त नहीं होता दंड, तो ये हमारे पास देखो इसके अंदर कितना चार्ज है उसके बारे में बात करें। अब एक बात सुनना वापस, वही चीज है सर, चालक में भी हमने बेलनाकार लिया था, यहाँ पर भी बेलनाकार ले रहे हैं, तो सर चार्ज तो पूरा क्लोज हुआ ही नहीं, तो मैंने उसने बता दिया था आपको, कल बताया था जो पहले की लेक्चर सीरीज थी उसके अंदर, अगर मैं इसको पूरा एकदम घन के रूप में लूं, घन के रूप में लेने पर भी कुल 10 पृष्ठ बनते हैं, 10 में से किसका 8 का नेट जीरो जाता है, तो बाकी बचा कितना 2 का। सेम इसी प्रकार यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, हम गोलनाकार जो बेलनाकार इसलिए बनाया ताकि पृष्ठ कम से कम काम आए और फ्लक्स जो है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाए। अब हमारे पास जो वर्तीय भाग का क्षेत्रफल हमने मान लिया कितना है ए, तो क्या निकालेंगे, वर्तीय भाग में लेकर गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध मतलब बाउंड कुल आवेश वो कितना होगा, सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, ये हमारे पास उसका पहला चार्ज निकाल दिया। अब वापस वही चीज बेटा, जो गाउसियन पृष्ठ बन चुका है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज भी है, स्थिर विद्युत के लिए गाउस के समीकरण लगाएंगे, एलएसएस पार्ट कॉल करेंगे, आरएचएस कॉल करेंगे, इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको बेटा क्या करते हैं, अतः
स्थिर विद्युतिकी के लिए, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गॉस की समीकरण, वो कितनी होती है, क्लोज इंटीग्रल, सॉरी ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर बराबर समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन दे दी मैंने उसको कितनी, दो। चलो करते बेटा, इक्वेशन दो के एलिसिस भाग को हल करने पर, पहले उस भाग को करेंगे तो बेटा ये कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर बराबर, देखो अब जो बेलनाकार गॉसियन प्रश्न है उसके लिए तो पूरा क्लोज है क्योंकि बेलन का पूरा क्लोज विचार तो उसके अंदर है, परंतु मैं जो बेलनाकार प्रश्न उसको खोलना चाहता हूँ तो बेलन को जो तोड़े तो तीन भाग कटेंगे, इधर तो इधर वाला गोल, एक इधर वाला गोल, और क्या हो जाएगा, खोखला सिलेंडर। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, आप मान के चलो कि एक जो प्लास्टिक का डिब्बा है गोल एकदम बेलन का डिब्बा, उधर दोनों तरफ ढक्कन लगे हुए, तो इधर का ढक्कन एक तो ये रहा, उधर का ढक्कन वो दूसरा, और तीसरा कौन सा होंगे उसका वक्राकार पृष्ठ। तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो तीनों से लिंकेज होगा, तो पहला जो होगा एस वन सर्फेस के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस एस टू सर्फेस के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस कितना होगा, एस थ्री सर्फेस के लिए वो कितना देगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। वापस वही करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्षेत्रफल सदिश के मध्य हमें कोण फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उन तीनों प्रश्नों पर डीएल पांच की कल्पना करेंगे और देखेंगे। तो इधर अगर डीएल पांच की कल्पना की, उसका क्षेत्रफल सदिश किस तरफ जा रहा है, डीए एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ, थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। दूसरा हमने इस पर प्रश्न डीएल पांच की कल्पना की, ये डीएल पांच, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ जा रहा है, डीए एन कैप, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी किस तरफ है, इस तरफ, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तीसरा जो प्रश्न है उस पर इलेक्ट्रिकल डी वेक्टर इस तरफ जाएगा, डी एन के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यहां पर कितनी है 0, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती, इस साइड वाली जो बल रेखाएं हैं मैं कह सकता हूं इसको मान के चले बेटा ए बी पार्ट ले लें, या इसको मैं पी क्यू ले लेता हूं बेटा पी क्यू, और ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये जो पार्ट है वो P है और ये Q, तो ले लिए P और ये कह लिए Q, तो पी क्यू पार्ट के जो चार्ज है उसकी बल रेखाएं उधर जाएगी नहीं, और जहां बल रेखा नहीं होती वहां विद्युत क्षेत्र होने की कोई संभावना नहीं। तो इधर देखा जाए बेटा कि इधर तो थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, एस वन सर्फेस हमारे पास वो है ना, थीटा बराबर 0 नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ई का है 0, ई 0 होने के कारण से ये खुद 0 हो जाएगा। एस टू सर्फेस हमारे पास ये रहा, राइट साइड जो वर्ताकार पृष्ठ है उसके लिए थीटा बराबर कितना है, राइट साइड के लिए थीटा बराबर है हमारे पास 0 डिग्री, और जो थर्ड जो एस थ्री सर्फेस है बेलनाकार उसके लिए कितना है 90 डिग्री। तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये तो ड्यू टू इसके मतलब ये तो 0 हो जाएगा, बस इसको खोल दो बेटा टू के लिए, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस एस थ्री, सॉरी ये एस टू सर्फेस है, ये कितना है एस थ्री, ये कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 फैक्टर के कारण ये 0 हो जाएगा। तो बता कौन सा हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा भाग लेता हूँ एस टू सरफेस और कितना आ जाएगा डी ए। हमने पहले ही इमेजिनेशन कर दिया कि वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा डी स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रल जो एस टू सर्फेस का आ रहा है वो पूरा समाकलन करने पर कितना आ जाएगा ए। तो अगर ये चीज है तो क्लोज इंटीग्रल कितना आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा ई ए, समीकरण दे दिया हमने कितने इसके, ठीक। अब वापस वही चीज बेटा, इक्वेशन टू के आरएचएस भाग को हल करने पर, आरएचएस भाग को हल करेंगे तो आरएचएस भाग क्या कहता है, समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस के नियम से निकला हुआ फलक से। तो इस जो बेलनाकार प्रश्न था उसके अंदर चार्ज कितना था, वो हमने पहले कर दिया गॉसियन प्रश्न परिबद्ध कुल आवेश, वो कितना है सिग्मा इनटू मल्टीप्लाई ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये दे दी मैंने इक्वेशन नंबर कितनी 4। अब क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 4 का मान ये मैं ला रहा हूं, इक्वेशन 4 व इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर,
तो इक्वेशन टू में लिखना, इधर देखो बेटा कितना देगा ई ए, इधर कितना देगा सिग्मा ए अपॉन में कितना देगा एप्सिलॉन नॉट, तो कट जाएगा तो ये कितना देगा हमारे पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी इसके अंदर रूप भी करेंगे थोड़े बहुत, तो ये हमारे पास कितना देगा पांच। अब इसको पहले हम क्या करते हैं के पदों में करेंगे, तो के पदों में व्यक्त करने पर, तो के पदों में व्यक्त करने पर फोर पाई से गुणा करना पड़ेगा, तो फोर पाई सीधा करना बेटा देखो फोर पाई गुणा करके लिखा जाता है सिग्मा अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वन अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो फोर पाई के और सिग्मा ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं बेटा सदिश रूप के बारे में, तो सदिश रूप में अगर करें तो इक्वेशन नंबर छह सदिश रूप के बात करते हैं, फिर आगे बताऊंगा थोड़ी बहुत क्वेश्चन से सदिश रूप। देखो बेटा सुनना, सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम वापस वही चीज करने वाले जो हमने पहले की थी। देखो यहाँ तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर के बारे में बात कर सकते हैं, मैं गॉसियन पृष्ठ के बाहर भी थोड़े चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे। हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है उसके सिमेट्री डिस्टेंस पर, यहाँ पर भी क्या ले लिया मैंने डीएल पास ले लिया, इससे जितनी दूरी पर ये था उतनी दूरी पर मैंने क्या ले लिया एक डीएल पास ले लिया। ठीक है, सुविधा समझाने के लिए मैं थोड़ा डायग्राम आपने पहले बना ही लिया होगा मुझे आशा है। अब देखो सुनो, दोनों को डीएल पास लिए, उस डीएल पास के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पहले यहाँ। तो देखो बेटा ये जो डीएल पास है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिंदु पर आएगी, वो इस तरफ आएगी, उसको मैंने मान लेता हूँ डी ई वन। इसके कारण जो इंटेंसिटी जो आएगी, देखो बेटा अल्पांश को मैं थोड़ा डार्केट कर देता हूँ, हालांकि मेरे पास कलर नहीं है मार करके, हो सके एक दो दिनों में वो भी प्रोवाइड हो जाए। ये बात जा रही है डी ई टू। अब एक बात सुनना गौर से, ठीक है, थोड़ा एंगल का ध्यान रखना, जितना एंगल ये है थीटा उतना ही ये, तो इधर देखा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा एंड थीटा हो जाएगा। देखो एक बात सुनना बेटा, सिग्मा इस पृष्ठ का क्या है कॉन्स्टेंट है, तो जितना डीएल पास ये उतना डीएल पास ये, इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि ये जो डी ई वन का परिमाण है वो कितना बेटा डी ई टू के परिमाण के समान है, किंतु दिशा में क्या है भिन्न भिन्न दिशा है इनकी। अब जब दिशा भिन्न भिन्न है तो हमें घटकों को तोड़ना पड़ेगा, तो घटकों को तोड़ने पर हम क्या देखें कि इधर देखा जाए तो डी ई टू कॉस थीटा और इधर देगा डी ई वन कॉस थीटा, इधर ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा डी ई टू साइन थीटा और इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा डी ई टू ई वन साइन थीटा। तो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा बेटा कि साइन थीटा वाले घटक तो एक दूसरे के परिमाण में समान किंतु एक दूसरे क्या है विपरीत है, अतः ये घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे, अतः बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी वो किसके कारण आएगी cos थीटा वाले घटकों के कारण आएगी। एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता देता हूं, अगर ये चालक परत अनंत इनफाइनाइट नहीं होती, अगर इनफाइनाइट होती ना तो चाहे बिंदु यहां हो चाहे बिंदु यहां हो चाहे वहां कहीं भी हो सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो घटक है वो यही काम आएंगे। किंतु अगर ये परत इनफाइनाइट नहीं है, सुनना डियर स्टूडेंट ये इनफाइनाइट नहीं है, तो ये सोचो सपोज करो ये अनंत पर अनंत नहीं है, तो अब ये बिंदु यहाँ है ना ओ जो बिंदु सेंटर ओली है वो यहाँ से निकाल लू तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा, क्योंकि इधर वाला घटक लूंगा तो इसके कारण इंटेंसिटी तो आ जाएगी बट इधर वाले घटक का इंटेंसिटी तो आएगी उसका एंगल वेरी कर जाएगा और एंगल वेरी करने पर आ जाएगी फिर हम घटकों को तोड़ भी नहीं कर सकते। तो हमने उसका सेंटर लिया है, सेंटर इसलिए लिया था कि एंगल सेम बन सके घर को इन्वेस्ट कर सके परिणामी तीव्रता हमारे इस तरफ आ रही। तो हमारा मेन मुद्दा ये था कि परिणामी तीव्रता जो है वो किस तरफ है एन कैप, एन कैप क्या है बेटा पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत इकाई सदिश। तो पृष्ठ के लंबवत इकाई सदिश हमारे पास है, तो बेटा हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म है वो लिख देता हूं मैं, ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये हो जाएगा फोर पाई के सिग्मा एन कैप। अब देखो बेटा एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि कुचालक और चालक में दिक्कत क्या आती है बेटा, टू का डिफरेंस होता है, बच्चों को याद नहीं तो सर कुछ वन अपॉन टू पाई सिग्मा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन लिख दिया तो वो तो कुचालक का था, आपने चालक में लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको समझने के देखो ये कुचालक परत है, तो कुचालक परत का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट। शॉर्ट ट्रिक है वैसे कोई से कोई वो नहीं है, सार आपको याद करने के लिए बताएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
देखो बेटा कू चालक जो वर्ड है वो दो प्रकार दो वर्डों से मिलकर बना है, तो कू प्लस कित होता है चालक, इसलिए बटन कित है दो, जबकि ये कितने से मिलकर बना है एक, इसलिए बटन कित आ गया एक। ये आपको थोड़ा ध्यान है रखना। अब ये करने के बाद हम थोड़ा ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तीव्रता का ग्राफ कर लेते हैं। ये भाई अब हमारे पास जो है वो क्या है, ई के विभिन्न ग्राफ। पहला ग्राफ है ई व आर के मध्य, तो बेटा ई व आर के मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो बेटा इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास चालक के लिए फॉर्मूला आया था वो कितना है, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, इसमें जो आ रहा है वो 4 पाई के सिग्मा। तो इन दोनों फॉर्मूले के अंदर क्या नहीं आ रहा बेटा, आर नहीं आ रहा, तो आर का अगर नामो निशान नहीं है तो यहाँ आर जो होगा वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, ई जो है वो आर के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। ये तो हमारे पास पहला हो गया। दूसरा देखते हैं ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ, तो ई व सिग्मा के मध्य, तो ई व सिग्मा के बीच में ग्राफ खींचा जाए, तो इधर ले लिया मैंने किसका ई, इधर ले लिया सिग्मा, ये ग्राफ कितना आ जाएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। जो हमारे पास अलग परत वाला एग्जाम जो टॉपिक था हमारे पास गॉस का थर्ड नियम, उसका एक बुक का उदाहरण दे रखा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो एग्जाम्पल कह रहा है वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है वो दे रहा है एग्जाम्पल नंबर टेक्स्ट बुक का दे रखा है 1.2.13। अब ये क्या कह रहा है, ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनफाइनाइट कंडक्टिव प्लेट इज 4×10⁻⁶ कूलम अपॉन इनटू मीटर स्क्वायर। मतलब उसका सिग्मा दे रखा है 4×10⁻⁶ कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये चार्ज जो दे रखा है, एक आवेश दे रखा है, वो दे रखा है कितना, क्यू दे रखा है 2×10⁻⁶ इज केप्ट नियर टू प्लेट, नियर द प्लेट मतलब जो आवेश है उसको इस प्लेट के निकट रखा गया। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, मतलब हमें इस जो आवेश पर लगने वाला बल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड आउट हमें क्या करना है, टू फाइंड आउट क्यू आवेश पर कार्यरत बल। तो क्यू आवेश पर कितना बल कार्यरत हो रहा है उस चीज के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, तो डायग्राम जो हमारे पास है वो कितना रहेगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज युक्त प्लेट है जिसका हमें सिग्मा गिवन दे रखा है। इस प्लेट के नियर जो है प्लेट चालक है, इस प्लेट के नियर एक पॉइंट दे रखा है, इस प्लेट पे क्यू चार्ज रखा है। हाँ ये क्यू चार्ज जो है वो नेगेटिव है बेटा, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है तो बल इस तरफ लगेगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चालक परत के निकट स्थित किसी बिंदु, निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होती है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और तो होगा, पर एक बट्टे में एक आएगा या दो, वो चालक और कुचालक से बताया, कुचालक दो वर्ड से मिलकर बनाता तो दो आता है, इसमें कितना हमारे पास चालक तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये भी हमारे पास दे रखा है, तो इसको बेटा मैं 4 के पदों में लेके आ जाते हैं, अच्छा रहेगा थोड़ा, 4 पाई के सिग्मा। चलिए मान रखते हैं इसके अंदर, तो 4 पाई का मान 3.14, के का मान था 9×10⁹, और सिग्मा का मान दे रखा है 4×10⁻⁶। सारों को मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 16, ये 9, ये 3.14 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा +3। एक बार के लिए हमें यही पढ़ा जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, क्यू आवेश पर कार्यरत बल, तो कार्यरत बल है वो कितना देगा, बल जो होता है चार्ज इंटू कितना होगा इसके। सबसे पहले हम फोर्स का परिमाण निकाल लेते हैं, तो फोर्स का परिमाण में हमें चार्ज को नेगेटिव नहीं लेना। देखो बेटा नेगेटिव चार्ज होने का मतलब यहाँ आप नेगेटिव चार्ज कभी मत समझे, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ दिशा बता देगा। अगर चार्ज में आपने परिमाण लिया है ना, तो दिशा उसके अपने आप शुरू कर देगी वो चार्ज धनावेश था या चार्ज धनावेश।
चार्ज ऋणायक होने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसके अंदर नेगेटिव जोड़ दी, नेगेटिव हटा दिया। तो जब वेक्टर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके अंदर चार्ज आ जाए तो आपको उसको नेगेटिव को भूल दो एक बार के लिए, अपने आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण या ड्यू टू वेक्टर फील्ड के कारण या वेक्टर जो क्वांटिटी के कारण क्या। बट अगर गाउस का नियम लगा रहे हो और तुम गाउस के नियम में समेशन क्यों निकाल रहे हो उस दौरान माइनस क्यू को मत भूलना किसी हालत में। अगर तुम माइनस क्यू को प्लस क्यू कर दोगे तो फिर फ्लक्स का मान पूरा ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस चीज को आप थोड़ा जरा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो क्यू की जगह देखा इसका परिमाण लेना है, 2 × 10⁻⁶ इंटू ये जो हमारे पास आंसर आया था 1.16 × 3.14 × 10³। सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा, हल करने पर इसका आंसर आया 0.903 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका हमें मास दे रखा होता बेटा तो मास दे रखा था हमें वाला समझ जाती। मान लेते हैं इसका मास कितना एक बार के लिए x है, तो अगर क्वेश्चन में दे रखा होता तो हमने ये तो एक बार के ट्राई कर लेते हैं। अगर मास दे रखा तो उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाले तो कितना आ जाएगा 0.903 न्यूटन अपॉन में कितना आ जाएगा एम, उसको कितना माना मैंने एक्स मान लिया 0.3 अपॉन में कितना आएगा एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है तो मीटर पर सेकंड डिस्कस की यूनिट हो जाएगी। आज के वीडियो में हम इतना एक टॉपिक करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज आएगी उसमें गाउस के अनुप्रयोग का अगला पार्ट है वो सुनेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। जय हिंद, जय भारत।